अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल डेली साल्ट हदीस। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में, और इसी वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि महात्मा गांधी ने हजरत इमाम रजी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या कहा। तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी पर सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी पूरी कायनात के लिए एक जिंदा मिसाल है। आज जहाँ जहाँ दुनिया में हिंदुस्तान की आज़ादी का जिक्र आता है, तब तब महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, और उसी के साथ एक नाम और आता है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का, जिन्होंने महात्मा गांधी को बताया कि जीत मकसद में होती है, दुश्मन को मारने में नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, ये इस्लाम का फलना फूलना तलवार के जोर से नहीं है बल्कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से इतना खुश थे कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये कहा कि मैंने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से सीखा है कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जाती है। और एक जगह महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मेरे पास हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों जैसे बेहतर और जाबाज सिपाही मौजूद होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा लेता। और ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलना होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, न किसी शान के लिए, न दौलत के लिए, न किसी अधिकार के लिए, और न ही किसी रास्ते के लिए, न ही किसी सत्ता के लिए, बल्कि वो बढ़े एक बहुत बड़ी कुर्बानी लेने के लिए और अपने जान माल और बीबी बच्चों को अल्लाह तबारक व ताला के राह में कुर्बान कर दिए। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिख के इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। प्यारे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।